नवंबर का महीना आधा बीतने को है, खेतों में बुआई का वक्त निकल रहा है और हमारे किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों को बुरी तरह परेशान कर दिया है। खाद वितरण केंद्रों पर भारी भीड़ हो रही है, गोदामों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, वहाँ पर हंगामे की स्थिति लगातार बन रही है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए खाद को लेकर मध्य प्रदेश की स्थिति दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं खाद के लिए मारामारी, कहीं बड़ी लंबी है इंतजारी, कहीं केंद्रों पर भीड़ भारी, कहीं खाद की कालाबाजारी। सबसे पहले मुरैना की ये तस्वीर देख लीजिए, स्थिति भयावह है। सर्दी में किसान सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। टोकन के लिए लाइन इतनी लंबी है कि आगे खड़े हो जाएं तो पीछे लाइन ही नजर नहीं आती। एक एक किलोमीटर तक लंबी लाइन दिखाई देती है। किसान परेशान है, हाहाकार मचा है और ये बताता है कि कृषि मंत्री के गृह जिले में भी हालात ठीक नहीं है। अब जरा टीकमगढ़ की तस्वीर भी देख लीजिए, किसान यहाँ भी बेजा परेशान हैं। यहाँ तो परेशान महिलाओं ने वितरण केंद्र पर डेरा डाल दिया है। पलेरा खाद गोदाम पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन खाद खरीदी केंद्रों पर ये नज़ारे आम बात हो चुके हैं। सुबह से शाम तक लोगों को खाद का इंतजार करना पड़ रहा है। विपणन केंद्र खुलने से पहले ही किसानों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। अब फैसला लिया गया है कि पुलिस की मौजूदगी में ही खाद का वितरण किया जाएगा। परेशानी देख ली, अब मुसीबत भी देख लीजिए। छतरपुर में तो खाद के लिए मारामारी हो रही है, टोकन के लिए धक्का मुक्की हो गई, टोकन की लूट मच गई और भगदड़ में कई किसान गिर गए, कई किसान लहूलुहान हो गए, पैरों में चोटें आ गई। टोकन के लिए मारामारी है तो खाद लेने के लिए भी धक्का मुक्की और मारपीट तक हो रही है। जवाहर रोड के खाद वितरण केंद्र पर लगातार हालात बिगड़ने पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पुलिस के पैरे में खाद वितरण करना पड़ा। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में भी खाद की किल्लत देखी जा रही है। यहाँ पर काफी किसान यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। किसानों की बोनी का समय हो गया है और उनको खाद की परेशानी हो रही है, जिसको लेकर वो डीएपी खाद लेने के लिए लाइन में लगे हैं। इधर पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी हो गई और इतना ही नहीं, किसानों के बीच में आक्रोश था तो उधर पर मारपीट जैसी भी धक्का मुक्की में घटनाएं हो गई हैं और कुछ किसानों को चोटें भी आई थी और यहाँ पर फिर भारी पुलिस बल और प्रशासन की टीम पहुंची थी। आप देख रहे हो, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हम केंद्र से, जहाँ पर किसान यहाँ पर इंतजार में खड़े हुए हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। कुछ किसानों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ रजक। कहाँ के हैं? बताए किस तरह की समस्या है? समस्या हर साल रहती है, तो खाद की समस्या शासन ही पूरी नहीं कर पाता है कभी कभी है? सुबह से का 3 दिन से खड़े आदमी को खाद नहीं मिल रहा, जो सरकार सो रही, जो नेता लोग सो रहे, जो किसानों के अच्छे दिन कहे गए थे, यही तो अच्छे दिन लग रहे हैं हमको कि हम मर रहे हैं। यहाँ एक एक बोरी के लिए नाश्ता पानी नहीं है, तेल पेट्रोल बाहर के 3-3 दिन से बार बार भटक रहे हैं। जहाँ भी वेयर हाउस पे जाते हैं, पंचायतों की सोसाइटी ठप पे बैठी है। शासन क्या देखती है किसानों के लिए, कितनी सुविधाएं कर सकती है? तो बिल्कुल, आपके किसानों खाद के लिए अभी यहाँ काफी भीड़ ज्यादा है, रोड पर लोग खड़े हुए खाद लेने के लिए, क्योंकि सकरी जगह है, स्पेस कम है, इसलिए इनको लाइन अप किया जा रहा है। महिलाओं को लाइन अप बनवाई जा रही है और पुरुषों की लाइन अलग हो रही है। टोकन सिस्टम करवा दिए गया, व्यवस्थित करवा दिया। आपस में विवाद नहीं हुआ है, धक्का मुक्की में उसके पैर में कुछ चीजें लग गई है, की बात नहीं। एक तरफ खाद की मारामारी, झाबुआ में खाद की कालाबाजारी। झाबुआ के मेघनगर में केंद्रीय उर्वरक उड़न दस्ते ने कार्रवाई करते हुए खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। यहां 3 अलग-अलग फैक्ट्रियों में अवैध रूप से रखा यूरिया बरामद किया गया। कहां कितना यूरिया मिला ये भी जान लीजिए। मोनी मिनरल्स एंड ग्राइंडर से 560 बैग यूरिया मिला। बालाजी एग्रो ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइजर से 96 बैग यूरिया मिला। त्र्यंबकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज में 116 यूरिया के खाली बैग मिले।
तीनों कंपनियों के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। खास बात यह है कि यह पूरी कार्रवाई केंद्रीय टीम ने की, जिसकी भनक भी स्थानीय प्रशासन को नहीं लगी। हाल ही के कुछ दिनों में इसी क्षेत्र से 168 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की गई थी, लेकिन यह क्षेत्र फिर एक बार चर्चा में है। इस बार चर्चा का जो विषय है वो बड़ी मात्रा में अवैध भंडारण कर रखी हुई खाद है, और तीन अलग अलग फैक्ट्रियों से इन खाद को बरामद किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह जो कार्रवाई है यह केंद्रीय उड़न दस्ता की जो टीम है उसके द्वारा की गई है। केंद्रीय उर्वरक उड़न दस्ते की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इस कार्रवाई की सूचना बाद में मिली। ठीक इसी तरह जैसे कि 168 करोड़ रुपए की हाल ही के दिनों में जो मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की गई थी, उस ड्रग्स की कार्रवाई भी बड़े ही एक विभाग द्वारा की गई थी। स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी। इस बड़े विभाग का नाम है डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, द्वारा यह ड्रग्स की कार्रवाई की गई थी 168 करोड़ की। ये जमीनी हकीकत है, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा भी यही है। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाद निरंतर आ रही है। दावा अपनी जगह है, सवाल दावे पर नहीं, लेकिन तस्वीरों को झुठलाने का साहस नहीं है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। किसान परेशान है, एक एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है, घायल हो रहा है, और ऐसे में कालाबाजारी होती है तो जैसे उसके जख्मों पर नमक लग जाता है, क्योंकि एक बोरी खाद से उसकी खेती और भविष्य दोनों जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। तो देखा आपने खाद वितरण केंद्रों पर क्या हालात बन रहे हैं। पुलिस के पहरे में खाद बांटनी पड़ रही है। एक तरफ खाद की कमी है तो दूसरी तरफ काला बाजारी ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। लेकिन अभी भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार की नज़र में खाद की तो कोई कमी ही नहीं है।